देख रहे हैं आपका अपना चहिता चैनल वीवी इंडिया। दोस्तों ज्यादातर हम लोग आपने मेरे चैनल में बहुत सारे इनोवेटिव जो मशीन है उसके वीडियोस देखे होंगे, बट आज एक ऐसी वीडियो जो मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही है तो उसमें ये ड्रॉइंग है कर रहा है, और खास करके ये जो यहाँ पे आप सिक्योरिटी जो जाली दिख रही है उसकी जो कैसे बनाते हैं उसकी मशीन है, वो बिजनेस वीडियोस में आपको लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे है खास करके सिक्योर फेंसिंग के जो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सर से मैं इनवाइट करूंगा। हेलो सर, कैसे हो सर? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? फाइन। व्हाट्स योर नेम सर? प्रियम जैन। ओके प्रियम जी से पूछेंगे पूरा, और इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे, इसकी लागत कितनी लगती है, इस मशीन की लागत कितनी लगती है, और कितना इन्वेस्टमेंट में आप है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो प्रियम जी खास मुझे बताइए इस मशीन का जो नाम है वो क्या है, इसको क्या बोला जाता है? ये अपना सेमी ऑटोमेटिक चेनिंग फेंसिंग मशीन है जिसके अंदर आपका जाली पूरा ऑटोमेटिक बन जाता है और खाली एक आदमी पूरा मशीन चला लेता है। एक आदमी ये पूरा चालू कर सकता है। ओके, आप देख सकते हो मैं हमारा ऑपरेटर बताता हूँ कि यहाँ पे एक बार आप दिखा दीजिए, और एक्चुअली यहाँ पे वो बताइए आप करके इसकी जो है जगह कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है? इसकी जगह चाहिए मोटा मोटा 15 फुट बाय 5 फुट, 15 फुट बाय 5 फुट के अंदर। और इसकी जो पावर कंजप्शन की बात की जाए तो पावर कितना लेता है? ओनली 6 HP। कितना? 6 HP। तो अपने गृह उद्योग पे घर मिस के कोई छोटा सा कस्बा है वहाँ पे वो स्टार्ट करना चाहता है? हम ऑलरेडी इंडिया में 1000 से ऊपर मशीन दे चुके हैं जिसमें से काफी मशीनें हमारी छोटे छोटे गांव में और नक्सलवादी एरिया में भी चल रही है। तो मेन बात होती है कि नक्सलवादी जो क्या है कि ये सब जगह यूज होते हैं, ऐसा नहीं खेत में ही फेंसिंग होता है, बट बहुत सारे जो छोटे छोटे कस्बे हैं तो वहाँ पे भी वो अपना कोई दीवार नहीं कर पाता तो वहाँ पे वो लगा सकता है। और सर इसमें कितने मॉडल हमारे पास है वो हमारे व्यूअर्स को बताइए। हमारे पास टोटल 3 मॉडल है। एक आता है सेमी ऑटोमेटिक मशीन जिसके अंदर आपको खाली वायर डालना है और ऑटोमेटिक जाली आपका कट जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक है, वो जाली है वो ऑटोमेटिक कट रहा है। और सर वो बताइए कि इसकी लागत और इसके में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन आता है 285,000 रुपए का। ओके, जिसके अंदर आपकी चेनलिंग की कड़ियां कट करते गिरती रहेंगी। ओके, बाकी सारा प्रोसेस वीविंग लॉकिंग रोलिंग सब कुछ मैनुअल रहेगा। अभी सर मेन हमारा जो व्यूवर्स है उसको क्या है कि मेन क्या है कि भाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, फायदा क्या है हमारा, मेन मेरा भी खुद है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं अभी इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, वो जो प्रॉफिट क्या प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, कितनी लागत रहती है और कितने में सेल किया जाए, तो वो प्लान थोड़ा बहुत समझा दीजिए। देखिए आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है खाली आपको एक आदमी देने तो पूरा मशीन चला लेगा और इसमें खर्चा आता है मात्र 1.5 रुपए किलो बनाने का। एज कम्पेयर टू दिस मशीन जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है इसमें खर्चा आता है मोटा मोटा 4 से 4.5 रुपए किलो बनाने का। अगर आप वाला मशीन लगाते हैं इसका अप्रोक्सीमेटली तो फायदा है मिनिमम अप्रोक्सीमेटली आपको 6 से 7 रुपए किलो मिल जाता है। महीने का इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 30 से 40 टन महीना, तो मोटा मोटा 2 से 2.25 लाख रुपए महीने का धंधा है। ओके, मीन्स के वो 2 से 2.25 लाख रुपए महीना निकाल सकता कमा सकते हैं। तो दोस्तों खास करके आपने देखा कि अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक महीने में अंदर कोई ऐसा बिजनेस मैंने अभी तक नहीं देखा कि अगर आप अच्छी तरह से, क्योंकि अभी ये बिजनेस है ना वो पूरे इंडिया में क्योंकि इसकी सब जगह जरूरत पड़ने वाली है बिजनेस, और मैंने देखा है कि बहुत रेयर केस पे इतने ने इस मशीन की जो है वो सब जगह कॉम्पिटिशन नहीं हो रही है। अगर आपके पास कोई विलेजेस गाँव का ज्यादातर कॉन्टेक्ट है और मीन्स के खेत में वहाँ पे मार्केटिंग करता है कोई कस्बे में मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा सा इनकम कर सकते हैं। बहुत ही स्टोरी बताता हूँ जी। एक हमारे कस्टमर है एक छोटे से गांव नीमच से एमपी में, एमपी से। ओके, आप देख पाएंगे उधर। यस यस, इसमें क्या है वो बहुत छोटे किसान थे, उनके पास थोड़ा जमीन था, उन्होंने हिम्मत करके एक फुली ऑटोमेटिक मशीन चालू किया। ओके, और आज की डेट में उस एरिया में उनकी फैक्ट्री लैंडमार्क बन चुकी है और वो मेरी 12 लाख रुपए वाली 8 मशीनें चला रहे हैं 12 लाख वाली 2 साल के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा कि जो सर ने बताया कि एक सर और इसका तो प्राइस बताया, बट आप मुझे फुली ऑटोमेटिक आप प्राइस बता दीजिए हमारे। इसका प्राइस है 7,80,000 रुपए। ओके, जिसके अंदर जाली आपका ऑटोमेटिक बन जाता है, खाली साइड का किनारा आपको लॉकिंग हाथ से करना होता है। ओके, लॉकिंग सिर्फ हाथ से। और इसका फायदा ये है इस मशीन को कभी भी फ्यूचर में फुली ऑटोमेटिक कर सकते हो। ओके, चाहे 1 हफ्ते बाद चाहे 3 साल बाद।
ओके। और सर मुझे एक दूसरी बात जो मेन क्वेरी रहती है कि जो भी क्या कि आप ले लिया बात आफ्टर सेल्स और सर्विस, मेन बात आती है सर्विस की, तो सर इसकी इसकी मेंटेनेंस की बात की जाए तो इसमें मेंटेनेंस कितना रहेगा और सर्विस सपोर्ट आपके तरफ से कितना रहेगा? इट्स ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री मशीन, बिकॉज जो हम पार्ट यूज करते हैं बहुत हाई ग्रेड के पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल लगे हैं और स्नाइडर कंपनी के लगे हुए हैं, मित्सुबिशी का PLC लगा हुआ है और डेल्टा का सर्वो सिस्टम लगा हुआ है। ड्यू टू क्वालिटी एंड आफ्टर सेल सर्विस वी आर इंडिया लार्जेस्ट कंपनी जो ऑल ओवर इंडिया मशीन दे रही है। ओके ओके। तो सर आपकी हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और आप अपना पूरा पता दे दीजिए, अभी आप बोल दीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पूरा पता और इसके कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दूंगा। अगर दोस्तों आप खास करके, मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, स्पेशली आपको बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा तो मैं एक यहाँ पे एग्जीबिशन में आया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सबने एक बात की, रिक्वेस्ट की, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी खुद इस पे पर सोच रहा हूँ। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और खास करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सर आपकी तरफ से आपके व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अगर आप बहुत टू टायर थ्री टायर सिटी से हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप अपने छोटे से एरिया लाइए, उसके अंदर ये वाला मशीन इंस्टॉल करिए और आप जितने भी किसान भाई है, इसका 90% एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में होता है, आप जितने भी किसान भाई है सबको जाली बना के देते रहे। ओके सर, और दूसरा एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर है वो ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से भी है, तो खास करके मुझे इंडिया में कोई भी स्टेट से रिक्वायर्ड रहेगी तो आपका वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा वैसे? एनी टाइम। ये इंडिया लार्जेस्ट कंपनी, वी आर प्रेजेंट इन 3 सिटीज, आवर हेड ऑफिस इज इन दिल्ली, आर बॉस्टन इज इन चेन्नई एंड बॉस्टन नंबर 2 इज इन आबुधाबी। ओके, तो यानी कि तीनों मींस के पूरा इंडिया कवर हो गया है, चेन्नई है, दिल्ली है और आबू रोड, यानी कि गुजरात के अगर बगर में कोई भी है तो राजस्थान हो गया, मध्य MP हो गया, गुजरात हो गया, तो वहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड वी आर इनटू एक्सपोर्ट आल्सो, हमारे काफी मशीन अफ्रीकन में और नेपाल में भी चल रहा है। वाह क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मैंने अभी सर ने बोला ना कि जो नेपाल से बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे चैनल्स में। तो दोस्तों अगर आप ये लेना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नंबर दे रहा हूँ, उसकी पूरी डिटेल दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसके कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और भी ज्यादातर ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों मैं हूँ VB और आप देख रहे हैं आपका अपना चहिता चैनल VB इंडियन। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।